What's going on YouTube? Welcome back to another vlog of mine. आज मैं जा रहा हूँ सुरू वैली. This is my second time कि मैं लेह लद्दाख वाली साइड जा रहा हूँ. तो देखिए, जैसा आप लोग देख सकते हैं, मेरी बाइक पूरा रेडी है. मैंने खाली टेल बैग साथ में उठाया राइनॉक्स का. दैट्स प्रीटी मच इट. एक ही नाइट का सफर रहेगा, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो लेट्स गो. मैं सीधा आपसे GoPro पे बात करता हूँ. इट्स गेटिंग वेरी लेट. चलिए गाइस, सफ़र करते हैं शुरू. लेके अल्लाह का नाम. ला इलाहा इल्लल्लाहु अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन. तो सबसे पहले मैं फोर्चो रोड पे पहुंचता हूं. वहां हमारा मीटिंग पॉइंट है, मेरा और मेरे फ्रेंड्स का. तो गाइस, जैसा आप लोग देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट पे डल लेक है. काफ़ी ज़्यादा कोहरा है इस टाइम, क्योंकि ये नवंबर का टाइम है. ऑलमोस्ट 28th October इट इज़ टुडे. तो भाई साहब, आई डोंट थिंक कि किसी ने डॉक्यूमेंट किया है श्रीनगर टू करगिल ऑन मोटरसाइकिल इस टाइम पे. आप देखिए कितना ज़्यादा फॉग है, विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है. तो चलिए चलते हैं. फील्स वेरी नाइस टू बी ऑन द मोटरसाइकिल. तो गाइस, मेरे राइडर दोस्त फाइनली मुझे मिल गए हैं, द पैसेंजर एंड सोलो ट्रिपर. ओके गाइस, तो फ्यूल टॉप अप कराने का टाइम आ गया है. तो पहला फ्यूल टॉप अप हम करेंगे. देखिए, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये मीटर गेज रहा मेरा, काफ़ी कम पेट्रोल है अभी. तो पहले पेट्रोल फुल करते हैं, देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है. तो गाइज, 1080 में मेरा फुल टैंक हुआ है, पूरा ऊपर तक भरा है मैंने. अब देखते हैं कितना क्या हमारा फ्यूल जलता है सुरू वैली तक. सुरू वैली तक आई थिंक इस नियर अबाउट आई वुड से 260-270 किलोमीटर्स. तो रिटर्न का लगभग मान के चलो आप 550 किलोमीटर है. तो देखते हैं अभी क्या माइलेज देती है बाइक और कितना तेल जलता है. और ये हमारे फरहान भाई पूरा रेडी है अपना राइडिंग गियर पहन के. मेरी टैंक में पानी है, पानी. तो गाइस, गांदरबल छोड़ दिया हम लोगों ने पीछे और आई थिंक फॉग भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है. बट अभी भी सोनमर्ग शुड बी नियर अबाउट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. लेकिन रोड अभी खाली खाली मिल रहा है, इससे अच्छा खासा खींच पा रहे हैं हम लोग. वेरी ब्यूटीफुल रोड दिस इज, आई लाइक दिस रोड वेरी मच. जो हमारा स्ट्रेच है फ्रॉम श्रीनगर टू सोनमर्ग, बहुत पसंद है मेरे को. देखिए चिनार का ट्री ऑटम में कैसा लग रहा है. गाइज, ऑटम के टाइम में हम लोग जा रहे हैं लद्दाख. नवंबर का टाइम है, अक्टूबर 28 इट इज़. तो मतलब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, बस दो दिन बचे हैं अक्टूबर में. तो आप इसको नवंबर की ही राइड कंसिडर कीजिए. ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी है और इस ठंड में हम और भी ज़रा ठंडी जगह लद्दाख जैसी जगह जा रहे हैं. हम लोग द्रास भी क्रॉस करेंगे, जो कि दुनिया का सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है. तो गाइस, वर्युल ब्रिज हम लोग पहुंच गए हैं. वर्युल ब्रिज कहते हैं इसे. यहाँ पे कुछ ढाबे वगैरह भी हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं यहाँ ढाबों पे. बट लुक एट दिस ब्रिज ब्रो, एंड लुक एट द व्यू. और ये सिंध रिवर है, काफ़ी कम पानी है अभी सिंध रिवर में, बट अलग ही चाम है गाइस. ऑटम का भी अपना चाम है. देखिए ऑटम में कितना खूबसूरत लग रहा है ये एरिया. तो यहाँ से हमारा करगिल रहता है 174 किलोमीटर्स. आई थिंक ज़रा टाइम नहीं हमें लगना चाहिए, क्योंकि गाइस हिमालयन है अपने पास और हिमालयन क्या भाग रही है ब्रो, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस. भाई एक्सपल्स पे मैं लास्ट टाइम कुछ ही महीना पहले लद्दाख किया था. भाई अगर उस टाइम मेरे पास हिमालयन होती ना, तो क्या नेक्स्ट लेवल मज़े आते. क्योंकि एक बार थोड़ा सा आप एक्सेलेटर दे दो इस बाइक को, दिस बाइक जस्ट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. आई एम नॉट इवन फीलिंग लाइक टेकिंग अ स्टॉप एनीवेयर. कहीं अच्छी जगह पे हम लोग रुकेंगे, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे. अभी फ़िलहाल हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चाय भी नहीं पी है, कुछ नहीं किया है. बट कोई बात नहीं, चलेगा बॉयज, चलेगा. क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए अभी एनर्जी भी अच्छी खासी है. तो जितना खींच सकते हैं उतना खींच लेते हैं. वेरी ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग. अभी थोड़ा थोड़ा फॉग अभी भी है, बट मोस्टली फॉग क्लियर अप हो चुका है. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे दिस इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड दिस इज़. ऑटम के टाइम में कितना खूबसूरत लगता है ये कश्मीर. हर एक सीज़न का अपना अपना चार्म है, बट पर्सनली ऑटम इज़ माई फेवरेट गाइज. अब सोनमर्ग 23 किलोमीटर्स रहता है यहाँ से, काफ़ी करीब पहुँच गए हम लोग सोनमर्ग के. मेरे हाथ थोड़े से सुन्न हो रहे हैं, आगे कहीं पे रुकेंगे, आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे. आई थिंक सोनमर्ग में ही रुकेंगे. 23 किलोमीटर्स आई थिंक हमसे कोप अप हो जाएगा. देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सोनमर्ग. एक ही ताजुब की बात है कि मैंने हम तीनों के अलावा और किसी भी राइडर को भी इस ट्रिप पे जाते हुए नहीं देखा.
अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट थोड़े टाइम बाद हो सकता है ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो जाए कि हम तीन ऐसे लोते राइडर्स हैं जो इस टाइम जा रहे हैं अपना लद्दाख वाली साइड। तो ऑफिशियली गाइस हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए हैं। एक बार फिर से आप लोग देखिए थाजवास ग्लेशियर का व्यू। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, रुक के थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि फरहान भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब है। चलिए गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट। फाइनली ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। देखिए ब्रेकफास्ट में हम लोग चाय पी रहे हैं और ऑमलेट खा रहे हैं। हमारे राइडर भाई यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं। एक ऑमलेट से हुआ कुछ नहीं, इसीलिए मैगी भी मंगवाया मैंने और नज़ीर भाई ने एक और ऑमलेट मंगवाया। फरहान भाई की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए फरहान भाई और कुछ नहीं खाएंगे, खाली चाय पीऊंगे, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, सो फाइनली ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सामने द माइटी जोजिला है जो हमें क्रॉस करना है। तो चलिए जोजिला का सफ़र शुरू करते हैं लेके अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ गाइस, देखिए ग्लेशियर कितना खूबसूरत लग रहा है ऑन माय लेफ्ट, बट जोजिला टू बी ऑनेस्ट इज लुकिंग अ लिटिल डेंजरस टुडे। भाई साहब लुक एट दिस रोड ब्रो, दिस इज व्हाट जोजिला इज नोन फॉर। घबराना नहीं है गाइस, आहिस्ता आहिस्ते चलना है। अभी कुछ ही महीने पहले आया था मैं इस रोड से, दो बार आया था एक्चुअली, जब मैं लद्दाख गया था। अगर आप लोगों ने मेरी लद्दाख सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो गाइस, मेरे प्लेलिस्ट में पूरा आपको लद्दाख सीरीज़ मिलेगा। उसमें पैंगोंग लेक मैं एक्सप्लोर करता हूँ, लेह करगिल एक्सप्लोर करता हूँ, नूबरा वैली भी एक्सप्लोर करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है वो, एक बार देखिए ज़रूर। लुक एट दी माउंटेंस, हाउ ऑसम दीज माउंटेंस आर लुकिंग। ऑन माय राइट या मेरे सामने ये सीन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग समर्स में लद्दाख जा रहे हो या फिर करगिल वाली साइड जा रहे हो। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है इस ग्लेशियर पे, पूरा ये ग्लेशियर तैयार हो गया है और अब ये बर्फ़ मई तक रहेगी, मई जून तक रहेगी और अभी भी काफ़ी बर्फ़ पड़नी है। तो या दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग इन सच अ मंथ, द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन मंथ ऑफ नवंबर में ट्रैवल करने के अपने रिस्क हैं। अगर मान के चलिए आपके बर्फ़ हो जाए तो हम लोग 6 महीने के लिए फंस सकते हैं लद्दाख में। ये देखिए गाइस, एक एक मोड़ पे वक्त बदल जाते हैं, सीनरी बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो गाइस 0 पॉइंट पहुंच गए हम और 0 पॉइंट पे हम लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी अभी कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने ब्रेक लिया है सोनमर्ग में, तो रुकने का मन है ही नहीं बिल्कुल भी। बट गाइज एक बार 0 पॉइंट आप लोग क्रॉस कर लो ना तो अद्भुत व्यूज आते हैं भाई साहब। لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता सकता हूँ, हम तीन वी थ्री आर दी ओनली राइडर्स जो अभी लद्दाख जा रहे हैं। मैंने हम तीनों के अलावा और किसी भी राइडर को नहीं देखा पूरे रास्ते में, और इन पहाड़ों में हिमालयन बगाने का अलग ही मज़ा है। मटाया रहता है यहाँ से 10 किलोमीटर। वॉट रोड दिस इज। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गुमरी और यहाँ पे हमें हमारी एंट्री करानी है, बाइक का नंबर वगैरह लिखवाना है। 8114 इस विलेज 15 हम लोग पहुंच गए हैं। व्यूज एकदम सुंदर है, बहुत अच्छे हैं व्यूज, काफी मजा आ रहा है क्रूज करने में एट द स्पीड ऑफ 80 90 100।
and the power on Himalayan is just next level, bro. I think this is the best bike at this version segment. क्या व्यूज हैं गाइस, पानी चेक करें और भाई से ओ पानी चेक करें, देखिए पानी की भी क्या अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस पानी को देख के, बहुत क्रिस्टल क्लियर रंग है इस पानी का। तो गाइस ऑफिशियली द्रास टाउन में हमारी एंट्री हो चुकी है, वी आर इन द्रास माय डियर पीपल। गाइस देखिए ऑटम के कलर्स द्रास में, वाओ दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड मैजेस्टिक, लुक हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज लुकिंग ओवर हियर। करगिल 58, खांगराल 121, लामायूर 160, ले 283। क्या व्यूज हैं गाइस, एब्सोल्युटली ऑसम व्यूज। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, एक कप चाय पी लेते हैं। अभी हम लोग द्रास पहुंच गए हैं और द्रास में अभी हम लोग यहाँ तोलोलिंग मैदान विष्णु ढाबा पे रुके हैं, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे यहाँ, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर यहाँ से हम अपना सफर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाइस चाय का क्या जबरदस्त कलर है और हमारे राइडर भाई यहाँ बैठे हैं। गाइस पेड़ों के कलर यहाँ से चेक करिए आप, क्या ओपी कलर्स हैं गाइस पेड़ों के, एक नंबर भाई एक नंबर। गाइस ब्यूटी चेक करें आप, पेड़ों के कलर्स चेक करें आप, हाउ ऑसम विलेज खारबू। तो खारबू विलेज पहुंच गया हूं मैं, बट चेक आउट द ब्यूटी माय डियर फ्रेंड्स। لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر। तो गाइस फाइनली हम लोग करगिल पहुंच गए हैं, ये देखिए जो ये वाला रोड है ये बाईपास रोड है, ये जाता है लेह की तरफ, बट यहाँ से हमें नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है। देखिए गाइस दिस ऑन माय लेफ्ट इज द फेमस सुरु रिवर और ये उसी सुरु वैली से निकलता है जिधर हम लोग जा रहे हैं, एंड दिस इज करगिल टाउन। अभी करगिल मार्केट के थोड़ा अंदर हमें घुसना है। और वहीं पे थोड़ा बैठ के चाय शाय पियेंगे, मेरे एक फ्रेंड है शकील भाई, उनसे मुलाकात करेंगे। बिस्मिल्लाह चलिए गाइस करगिल टाउन से हम लोग निकल गए हैं, थोड़ा हल्का फुल्का मोमोज हमने यहाँ पे खाया और थोड़ी बिरयानी खाई। सुरु वैली में एंटर हो चुके हैं हम लोग एंड लुक एट दी ऑसम व्यू ब्रो, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, ओपी नेक्स्ट लेवल। सुरु वैली रिजॉर्ट हमें जाना है,
आई डोंट नो कितना दूर है, अभी है तो बहुत ज़्यादा दूर। ये साइड साइड में हमारा सुरु रिवर चल रहा है, वाओ लुक एट द व्यू ब्रो। सुरु रिवर को तो आप चेक करें, कितना माइटी है सुरु रिवर और कितना साफ पानी है सुरु रिवर का, बिल्कुल आसमान के कलर का पानी है, ब्यूटीफुल। वाओ दिस इज मैजिक ब्रो, लुक एट द ब्यूटी राइट ओवर हियर। करगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ओ माय गॉड। Looks like a very good place. भाई कुछ लोग तो सड़क पे सोए हुए हैं, बट क्या जगह है ब्रो, डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं इस साइड कभी नहीं आया हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोग इस साइड नहीं आए होंगे। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज अ डिफरेंट साइड ऑफ लद्दाख, काफ़ी खूबसूरत guys. Guys, I would say कि यहाँ पहुँच के मेरे को सर्दी का एहसास हो रहा है, अच्छी खासी सर्दी है भाई लोग। वाओ चेक आउट द व्यू गाइस, ओह माय गॉड क्या अद्भुत व्यूज हैं यार इस जगह के, ऐसा लग रहा है जैसे यार ये इतना खूबसूरत है तो जन्नत कितना खूबसूरत होगा यार, वेरी ब्यूटीफुल दिस एरिया इज। Look at the glacier, how awesome even the glacier is looking. यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, सुरु वैली फिलिंग स्टेशन। इस विलेज को कहते हैं संकु, तो संकु विलेज हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ भी लग रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ही है ज्यादा। अब जी 15 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा रिजॉर्ट, लेकिन भाई साहब थोड़ा सर्दी का मेरे को एहसास हो रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेंट खुला हुआ है और यहाँ से मेरे को सर्दी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। आई मीन आई ट्राई एंड क्लोज इट, हवा को ब्लॉक कर दीजिए। एंड भाई साहब यहाँ के लोकल लोग भी परेशान है, कह रहे हैं भाई साहब इतनी ठंड में क्या आ गए। हमने कहा ठंड है भाई, हमें तो ठंड नहीं लग रही। कह रहे हैं हाँ जी कपड़े तो वैसे ही है ना आपको लगा के। माशाल्लाह मेरी भी बेटी है, इसको देख के मुझे मेरी बेटी की याद आ गई, मरियम की। बाय। यहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। बस मेरे को एक ही टेंशन है क्योंकि करगिल में ऑलमोस्ट सभी होटल बंद हो गए हैं, विंटर में सभी होटल बंद हो जाते हैं। हाय छोटे भाई, इन लड़कियों को देख के मुझे मेरी बेटी मरियम की याद आ जाती है यार, आंसू आ जाते हैं आंखों में। बट आई जस्ट होप कि वो बंद ना हो सुरु वैली रिजॉर्ट, क्योंकि करगिल में भी मोस्टली सभी होटल बंद रहते हैं विंटर में, अखबार डले हुए होते हैं सभी उनके जो शीशे हैं उन पे, ताकि वो शीशे टूट ना जाए माइनस से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माइनस होता है रात में। तो आई जस्ट होप कि सुरु वैली रिजॉर्ट तो और भी ज़्यादा मतलब रिमोट एरिया है, यहाँ तो कोई ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, इनफैक्ट कोई है ही नहीं हम दोनों बाइकर्स के, हम तीनों बाइकर्स के अलावा। अब सुरु वैली रिजॉर्ट देखते हैं एंड आई थिंक यहीं पे हम आज का आशियाना वे देखते हैं कौन सा वाला है क्या है। लुक एट दिस ब्रो, वाओ ये कुछ व्यू है यहाँ से, और ये कुछ ग्लेशियर्स हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करके चलो भाई, अटैच वॉशरूम है ना, बाथरूम आप करो साफ करो। तो गाइस फाइनली फ्रेश वगैरह हो गए हम लोग, काफ़ी ज़रा अच्छा लग रहा है फ्रेश होके। हमारे राइडर भाई यहाँ सब लोग अभी बैठ के चाय पी रहे हैं, फरहान भाई भी चाय एंजॉय कर रहे हैं, और चलिए चलते हैं अब सीधा आपसे डिनर टेबल पे मिलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सो जाएंगे। काफ़ी ज़रा थक गए आज,
बाकी जो हमारा एक्सपीरियंस था वो तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, ड्रोन शॉट्स भी आपने देखे ही होंगे, तो कीप सपोर्टिंग गाइस। नेक्स्ट लेवल ठंडे बाहर यार, -5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा है, बट थैंकफुली अंदर हमारा ये छोटा मोटा हीटर है जो चल रहा है, हालांकि उतना ज्यादा गर्मी दे नहीं रहा है बट काम चल जाएगा है काम तो चल जाएगा। तो बाय द वे डिनर भी हमारा आ गया है, अब हम फरहान भाई का वेट कर रहे हैं, फरहान भाई आ रहे हैं और अभी हम लोग अनवील करेंगे कि जो हमारा डिनर है उसमें है क्या। अभी नीचे आराम से बैठ के चावल माशाल्लाह तबारकअल्लाह, दाल भी काफी टेस्टी लग रही है यार, यम यम यम, चावल भूख लग रही है मेरे को भाई इसको देख के, भूख भाई। रोटियां कितनी बड़ी बड़ी बनाई है इनने, परफेक्ट यार, बहुत अच्छा, लिटरली द क्वालिटी ऑफ फूड इज जस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो गाइस लेट्स हैव आवर डिनर नाउ, काफी भूख लग रही है हमें, चलिए अब डिनर करते हैं, डिनर करके आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस फाइनली डिनर वगैरह भी हमारा हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, आप मेरी आज की कोशिश पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।